क्या आपने मेरे पीछे ये स्टैचू देखा? आप इन सूबेदार को तो पहचानते ही होंगे और अक्सर आते जाते हैं, आपने इस स्टैचू को देखा भी होगा। बिल्कुल सही पहचाना। आज हम आए हैं मुकाई चौक में और यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे लोकेट करता है आज का हमारा सेमी फर्निश्ड 2 BHK फ्लैट का प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट आप देखना चाहेंगे तो चलिए देखते हैं। ये है आपका सेमी फर्निश्ड 2 BHK फ्लैट और यहाँ पे आपको एंट्री पे ही काफी सारी चीजें देखने को मिल जाती है, जैसे कि इस वुडन लैमिनेटेड डोर पे ये डिजिटल डोर लॉक और ये ब्यूटीफुल एंड एलिगेंट सी एंट्रेंस लॉबी और इस ह्यूमंगस एंड लग्जूरियस लिविंग एरिया में आपको मिलने वाली है ये फॉल सीलिंग, वो भी एज इट इज। साथ ही साथ आपको मिल जाती है ये 2x4 की ग्लेज विट्रिफाइड मार्बल फिनिश की टाइल्स, जिस वजह से इस लिविंग एरिया को और भी ज्यादा प्रीमियम लुक आ जाता है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 8-seater सोफा डिजाइन किया गया है, इससे आपको अंदाजा आ ही गया होगा कि ये लिविंग एरिया कितना ज्यादा ह्यूज है। इस साइड आपको मिल जाती है इस लिविंग एरिया की अटैच्ड एंड कवर्ड बालकनी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बालकनी में आपके लिए एक सरप्राइज है और वो सरप्राइज मैं आपको इस वीडियो के सबसे एंड में दिखाना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये लिविंग एरिया और किचन से कनेक्टेड रहने वाला आपका डाइनिंग। इस डाइनिंग में आप 6-seater डाइनिंग टेबल डिजाइन कर सकते हैं, वो भी बहुत ज्यादा कंफर्टेबली। और इस तरफ आपको मिल जाता है ये फुल्ली मॉड्यूलर किचन जो आपको एज इट इज मिलने वाला है। यहाँ पे आपको ये मॉड्यूलर किचन ट्रॉलीज देखने को मिल जाती है, साथ ही साथ ये शेल्फ भी दिए जा रहे हैं फॉर द स्टोरेज और ये एल शेप का इंजीनियर ग्रेनाइट का प्लेटफॉर्म मिल जाता है जिसके ऊपर आपको एक सिंक दिया जा रहा है विद सिंगल टैप। और मेरे अपोजिट ही आपको मिल जाती है आपकी ड्राई बालकनी जहां पे आपको और एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, वहां पे एक सिंक दिया गया है फॉर द यूटेंसिल्स वॉश विद सिंगल टैप। और इस साइड आपको मिल जाता है आपके वॉशिंग मशीन के लिए प्रोविजन। इस फ्लैट में आपको ब्लैक कलर के स्विच बोर्ड्स देखने को मिल जाते हैं ताकि आपके घर को और भी ज्यादा प्रीमियम लुक मिले। और इस साइड है आपका कॉमन वॉश बेसिन एरिया जहां पे आपको ये ब्यूटीफुल सा सिंक देखने को मिल जाता है और नीचे की साइड मिल रहा है ये स्टोरेज स्पेस। इस तरफ है आपका कॉमन वॉशरूम जहां पे आपको सीलिंग माउंटेड रेन शावर देखने को मिलता है जो आजकल कहीं आपको नहीं दिया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको ग्रोहे की सीपी फिटिंग्स मिलने वाले हैं और सैनिटरी फिटिंग्स मिलने वाले हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड के। इस साइड आ जाता है आपके बच्चों का किड्स बेडरूम, यहाँ भी आपके बच्चों के स्टोरेज के लिए आप इतना बड़ा वार्डरोब डिजाइन कर सकते हैं और एक क्यूट सा बेड भी। अब आजकल के टेक्नोलॉजी के इस दौर में आपके बच्चों को कंप्यूटर भी यूज करना है, स्टडी भी करनी है, तो इसलिए इस कॉर्नर स्पेस में एक टेबल बहुत बढ़िया डिजाइन हो सकता है। साथ ही में इतनी बड़ी विंडो भी दी गई है जहां से आपके बच्चों को सनलाइट और प्रॉपर एयर भी मिलेगा, एक फ्रेश हवा भी मिलेगी। ये विंडो नीचे की साइड से क्लोज रहने वाली है फॉर द सेफ्टी पर्पस और ऊपर की साइड से आप हाफ साइड ओपन कर सकते हैं। कितना बढ़िया है ना। और इस बेडरूम के बिल्कुल बाजू में ही साइड में ही आपको मिल जाती है आपकी मेरी और सबकी फेवरेट ऐसी मास्टर बेडरूम। ये बेडरूम कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल है, क्यों? क्योंकि इस बेडरूम में आपको मिल जाती है एक इतनी बड़ी बालकनी जितनी कि आपने कभी किसी बेडरूम में नहीं देखी होगी। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं ये अटैच्ड वॉशरूम जो कि बहुत ज्यादा प्रीमियम है और डिफरेंट शेड में आपको मिलने वाला है। ये वार्डरोब देखा, आप भी इसी तरह से डिजाइन कर सकते हैं जो इस डोर के पीछे हाइड हो जाएगा। और कितना बड़ा बेड डिजाइन किया है फिर भी इतना ज्यादा स्पेस। इसी साइड में तो मिलने वाली है आपकी वो ह्यूज बालकनी। वाओ, एक्चुअली बहुत बड़ी बालकनी। आप देख सकते हैं कि मैं आराम से यहाँ पे वॉक कर सकता हूँ, इतनी बड़ी बालकनी है। ये बालकनी कवर्ड रहने वाली है, साथ ही साथ वुडन टेक्सचर टाइल्स भी और 3-साइड ग्लास फसाड्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। मतलब इतनी बड़ी और स्पेसिफाइड बालकनी आपके बेडरूम को आपको मिल रही है और क्या चाहिए। साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट में भी आपको ऑल एमिनिटीज देखने को मिल जाती है, जैसे कि स्विमिंग पूल है, जिम है, क्लब हाउस है, ऐसी सब लग्जूरियस एमिनिटीज। कितना बढ़िया है ना। आ गया ना पसंद आपको भी ये 2 BHK फ्लैट?
लेकिन ये एक सवाल जरूर होगा कि एग्जैक्टली मैं बालकनी में आपको कैसा सरप्राइज दिखाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले और एक सरप्राइज कि यहाँ पे आपको 3BHK फ्लैट्स के सेगमेंट भी अवेलेबल है। 2BHK फ्लैट में यहाँ पे वॉल रहेगी, लेकिन 3BHK फ्लैट में रहने वाला यहाँ पे आपका पेरेंट्स बेडरूम या गेस्ट बेडरूम। अब जो हमने 2BHK फ्लैट देखा उसका कारपेट एरिया है 795 स्क्वायर फीट और 3BHK का रहने वाला है 1070 स्क्वायर फीट। कितने बड़े बड़े कारपेट्स है ना। अब आपको सरप्राइज देखना है, लेकिन वो सरप्राइज हम दिखाएंगे इस बेडरूम के जरिए। क्या बात है, इतना ह्यूज और ग्रैंड बेडरूम। इस बेडरूम को देख के यही लगता है कि ये कोई पेरेंट्स या गेस्ट बेडरूम नहीं बल्कि कोई सेकंड मास्टर बेडरूम है। देखिए यहाँ पे ये वॉल टू वॉल इतना बड़ा वार्डरोब डिजाइन किया गया है। आप भी इसी तरह से डिजाइन कर सकते हैं। वार्डरोब रह के भी बेडरूम में किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस या स्पेस यूटिलाइजेशन नहीं, बिल्कुल यहाँ पे आपको इतना खुला स्पेस देखने को मिल जाता है। इतना बड़ा बेड भी डिजाइन किया गया है और इस तरफ मिल जाता है आपको आपका अटैच्ड वॉशरूम। ये वॉशरूम भी इतना ज्यादा लग्जूरियस और प्रीमियम है। यहाँ पे आपको वॉशरूम में मिल जाता है टच सेंसर लाइट वाला एक मिरर भी, और ये है आपकी अटैच्ड और कवर्ड बालकनी। यहाँ पे आपको मिल जाते हैं ये टफन ग्लास के स्लाइडिंग डोर्स विद मस्किटो मेश। बालकनी कवर्ड है, वुडन टेक्सचर टाइल्स भी, और सेफ्टी पर्पस के लिए ये ग्लास फसाड्स भी। बढ़िया है ना बालकनी। एंड सरप्राइज, ये है आपकी एल शेप की बालकनी जो आपके लिविंग एरिया से भी और आपके गेस्ट बेडरूम यानी पेरेंट्स बेडरूम से भी कनेक्टेड है। हमने अब तक किचन या लिविंग एरिया एल शेप में और कनेक्टेड देखे होंगे, लेकिन कभी बालकनी आपने देखी है, और वो भी इतनी ज्यादा बड़ी। अब इतना सब कुछ देख के आपको यहाँ पे इस फ्लैट को देखने को आने की इच्छा हो गई होगी, आपको साइट विजिट के लिए आना होगा, इसीलिए तो हम आपको कैब फैसिलिटी फ्री दे रहे हैं। और अगर आप यहाँ पे किसी वजह से नहीं आ पाते हैं, बिजी है, तो हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स आपको आपके घर पे आके इस फ्लैट के बारे में जानकारी देंगे। और अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए प्रोजेक्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।